तो गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को, और आज की शुरुआत कुछ अलग तरीके से। मैं नीचे वाले मकान पर हूँ और इस वाले मकान पर हमारा बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो नीचे वाले जो कमरे हैं उसमें, अगर पिछले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो उसमें काम चल रहा था, तो वो फिनिश हो गया है। और बाकी ऊपर उस कोने पर मिट्टी वाली घोंसला बना रहे हैं दो चिड़ियाएँ, तो वहाँ अंदर, तो उनका काम काफ़ी दिनों से उनका काम भी चल रहा है। तो मेरे याले मकान पर लगभग काम ही चलता रहता है। तो कुछ समय के बाद हम नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आप लोगों को यहीं से ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो आज की शुरुआत नीचे से ही करते हैं, और आज मुझे एक निमंत्रण में जाना है जो कि गांव से आया है, शादी का। तो आप सभी को शादी में लेके चलेंगे। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम, मम्मी और भाभी दोनों, जिस वाले खेत में मैंने मिर्च लगाने का सोच रखा है उस खेत में ये रोज खाद डाले। इसके नाटक देखे हो गया अब नहीं हुआ अभी। देखो दलिया लगा के खिलाई मुंह में। तू सुबह सुबह कैसा करता है ये? तो कल आप लोगों ने इस वाले कमरे की तोड़ा फोड़ी देखी होगी, तो आज इसमें अच्छे से फर्श पड़ गया है। तो अंदर एक किचन है और साइड में बाथरूम है इस वाले कमरे में। तो अब कुछ दिन के बाद हम शिफ्ट होने वाले हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा ये फर्श डाला एक वाले कमरे में, और इस साइड में भी डाल रखा है, ये देखिए। तो दोनों कमरों में फर्श डाल दिया है। और अभी दोपहर के टाइम में, मतलब दिन के टाइम पर मैं इसमें पानी डालूँगा, क्योंकि कल डाला है, तो अगर मैं पानी डालूँगा इस सब बह जाएगा, इसलिए मैं इसमें दोपहर के टाइम पर इसमें डालूँगा। और मैं अभी ऊपर वाले मकान में जा रहा हूँ, क्योंकि सब कुछ वहीं काम धाम है। तो वहीं से अब आगे को शुरुआत करते हैं, ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, फिर एक शादी में अटेंड करना है। मैं चूँकि मैं पहले आप लोगों को बता दिया है, तो सीधे चलता हूँ घर की ओर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आज खेत में नहीं जा रहा हूँ, तो मम्मी भाभी और बगल से पुसुल दी थोड़ी सी मदद करने पहुँचे हैं खेत में। तो आप लोगों को सीधे मैं खेत में लेके चलता हूँ। और पहले ना गांव में सबसे पहले काम काज होता है, फिर निमंत्रण माना जाता है, क्योंकि अभी का टाइम में बारिश नहीं हो रही और खेती हो रखी है, तो यह अच्छा टाइम है कि हम जल्दी से चूट भी लेंगे, दानों को अलग कर लेंगे। तो अगर बारिश हो गई तो वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ खेत। लंच हो गया है, मम्मी भाभी और ताई जी तैयार हो चुकी है, और ये है मेरी गाड़ी। तो गाड़ी भी तैयार हो गई है, तो सीधे मिलते हैं शादी में। तो शादी में अभी सब लोग जा रहे हैं, तो आज फिर से मैं एक शादी अटेंड करने पहुंचा हूँ। अभी लोग महिलाओं का महिला संगीत चल रहा है, और साथ में जो बड़े हैं उनको पैर छुआ जा रहा है, जो छोटे हैं उनको भी आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद मिल रहा है। तो ऐसा कुछ हमारे कुमाऊँ का रीति रिवाज होता है। सभी लोग अभी आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये जो आंगन है वो भरेगा थोड़ी देर के बाद। Thank you.
कुमाऊं की शादी में महिला संगीत के दिन जितने भी लोग आंगन में आए होंगे उन सभी को टीका लगाया जाता है और लिफाफे में उनको भेंट स्वरूप कुछ पैसे दिए जाते हैं और उनका मान सम्मान किया जाता है। तो ये है पहाड़ का महिला संगीत। एक एक करके सभी लोग डांस कर रहे हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं और जो यहाँ पर आए हैं लगभग सभी लोग करेंगे। Lagi suara, lagi suara.